देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहाँ पे आया हूँ, भाईंदर बेस्ट में आया हूँ। और मेरे ऊपर देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है। और मेरे प्यारे भाइयों, हाँ यहाँ पे गाय जा रही है और मैं सोचा मुझे मारने वाली होगी, लेकिन नहीं, अपने आप सीधा सीधा चली गई। ललका कपड़ा पहने हो ना, ललका कपड़ा वाले ने बहुत देख कर मारा थी, समझियो। हाँ भैया, हमारे सोसाइटी में चेयरमैन सेक्रेटरी टीचर का चुनाव होने वाला था, तो मैं भी, मेरी वाइफ ने बोला तो आप भी फॉर्म भर दो, तो हमने भर दिया फॉर्म तो भर दिया भैया। लेकिन फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, हमसे कास्ट पेपर मांगा गया, मतलब जात प्रमाण पत्र मांगा गया। अब फर्स्ट टाइम, तो हम तो कभी जानते नहीं थे इसमें जात प्रमाण पत्र लगता है, और हमारा जात प्रमाण पत्र भैया यूपी का है, और बहुत पहले हम बनवाए रहे यूपी के। जब यहाँ पर आया तो वो जात प्रमाण पत्र कैंसिल हो गया, बोला यहाँ पे नहीं चलेगा भाई, गांव का तो तुम्हारे यूपी में तुम्हारे जात में कौन से कैसे कैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पे वही लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, समझ गए। तो वो चीज़ ना कैंसिल हो गया मेरा पेपर, मतलब चेयरमैन सेक्रेटरी और ये टीचर बनने का जो मतलब मिला था मौका कि हाँ चलो हम भी इलेक्शन होगा तो हम भी वोट करेंगे या हमको कोई वोट करेगा, ऐसा कुछ था, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ है भाई, प्यारे भाइयों, अगर आप जैसे महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप जात प्रमाण पत्र बनवा के रखिएगा, समझ गए। हाँ ठीक, कि मतलब आप खड़े हो, मतलब आपको खड़ा किया गया था, मतलब बहुत सारे लोग आए गए थे, बोली सैम पप्पा खड़ा करो, क्योंकि वो अच्छे आदमी है वो, मतलब जो देखिए भैया, एक चीज़ हम जानते हैं कि जात प्रमाण पत्र अगर आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ का भी बनवा लीजिए, और यूपी में है तो वहाँ का भी बनवा कर रखना चाहिए। हाँ, हर राज्य में, हर राज्य का लगता है अलग अलग चलता है, सबका अपना अलग अलग नियम होता है। और अब चल रहे हैं भाई, जो बचा कुचा मन में निराशा हो गया कि चलो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा, लेकिन तब तक समझ जाएंगे हाँ क्या है कैसे है, तब तक चलेंगे। पता नहीं था ना, 8-10 दिन पहले और हमें उतना जानकारी नहीं था कि यहाँ का क्या होता है, कैसे नियम है, लेकिन कुछ जानकारी मिलता है, समझ में आता है, तो वो समझ में आ गया। पहली बात ना, और आपने जो बिल्डिंग की है ना, उनके मतलब थोड़े से लोग उदास हो जाएंगे, मेन बात ये है, हम लोग का तो भाई कोई बात नहीं था। और मगर मेरे हमारे जो हमारे सोसाइटी में ए विंग और बी विंग है, तो ए विंग वाले सोच रहे थे मैं भी भरूं, लेकिन तो ए विंग से इनको मतलब चुना गया था, बहुत मतलब सब लोग डिसाइड किए थे कि मतलब आपके हस्बैंड अच्छे हैं और सैम पप्पा बहुत अच्छे हैं, मतलब जो रहता है उनका क्लियर रहता है, लाई चुपरी वाला काम नहीं रहता, तो इनको लाना है और इनको जिताना है, अगर ऐसा हुआ तो सब चूर हो गया सब। चलिए कोई बात नहीं है, और अब चलते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ डी मार्ट में आया हूँ। डी मार्ट में यहाँ पे हर सामान मिलता है खरीदारी करने का। थर्ड फ्लोर पे हमको कुछ लेना है, सूज। देखो अंदर, यहाँ का तो चप्पल उप्पल दिखा था। यहाँ बच्चों का टी शर्ट मिलता है ना, सब टी शर्ट पैंट। इधर कपड़ा उपड़ा लेडीज का सामान। प्यारे भाइयों, डी मार्ट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग हो गया डी मार्ट का, जो भी शॉपिंग था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि आए थे तो हम दूसरे काम से, लेकिन अंदर ने कहा कि नहीं अंदर चलो थोड़ा सा कुछ ना कुछ देख लेते बच्चों के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, चॉकलेट वगैरह ले लिया और हम लोग बाहर आ गए डी मार्ट से। कौन खाली घूमने, मतलब आए थे दूसरे काम के लिए लेकिन घूम गए इधर के लिए, समझ गए बस। और आज भीड़ भूड़ नहीं है, बहुत एकदम खाली माहौल, एकदम शांति है। 12 तारीख जब संडे उंडे रहता है ना, तब ज़्यादा भीड़ रहता है, और संडे नहीं है
और कोई त्यौहार नहीं है तो भीड़ कहाँ से रही है, समझ गया। ये है भाईंदर बेस्ट का माहौल और थोड़ा सा शॉपिंग फैमिली के साथ भी, वंदना के साथ। भैया कहाँ गए, हमेशा तो पिछुआ छूट जाते हैं। हाँ जब देखा तब हमेशा पिछुआ भाग जाता हूँ, हम यहाँ पार्टी तू वहाँ पीछे पीछे बाटू, बाइक क्या लगाए ही तो चला। भैया आप सभी के मेरा प्यार सम्मान और प्रणाम। यही था हमारा आज का थोड़ा सा ब्लॉगिंग।